एवरीवन, वेलकम टू विद्वान कंपटीशन। तो विद्वान कंपटीशन आपके लिए साइंस का टेस्ट सीरीज लाया है। इस सीरीज में लगभग 50 से ज्यादा सेट रहेगा। आज पहला सेट स्टार्ट करते हैं, जिसमें 25 क्वेश्चन विथ एक्सप्लेनेशन भी रहेगा। तो आज का क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। तो आज का पहला क्वेश्चन है, द मोस्ट इंपोर्टेंट ओर ऑफ एल्यूमिनियम इज। एल्यूमिनियम का सबसे इंपोर्टेंट ओर कौन सा होता है? तो यहाँ पे एल्यूमिनियम का सबसे इंपोर्टेंट ओर है बॉक्साइट। बॉक्साइट होता है एल्यूमिनियम का सबसे इंपोर्टेंट ओर। तो ऐसे और कुछ मेटल्स और उसके ओर भी आप लोग नोट डाउन कर सकते हैं। जैसे एल्यूमिनियम का और भी ओर है बॉक्साइट, कोरंडम, फेल्सफॉर, क्रायोलाइट, काओलिन, और एल्यूमिनियम का सिंबल भी AL है। मैं उसको सिंबल के साथ आपको यहाँ पे पूरी चार्ट दे दिया हूँ, आप इसको नोट डाउन भी अपने कॉपी में कर सकते हैं। ये सब एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू इम्पोर्टेंट है। जैसे मर्कुरी का सिनावर है, जिंक साइट, फेरुलिनाइट, कालामाइन, ये सब भी बहुत इंपॉर्टेंट है। आप इसको नोट डाउन कर लें और इसको रट्टा भी मार लें। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर टू, जर्मन सिल्वर इज एन अलॉय ऑफ। जर्मन सिल्वर का अलॉय कौन सा है? जर्मन सिल्वर इज एन अलॉय ऑफ जिंक, कॉपर एंड निकेल। जर्मन सिल्वर इज एन अलॉय ऑफ जिंक, कॉपर एंड निकेल। तो ऐसे ही कुछ अलॉयस और कंपोनेंट्स देखते हैं। ब्रास का है कंपोनेंट कॉपर एंड जिंक, ब्रोंज का है कॉपर एंड टिन। तो ये दोनों बच्चों को बहुत ही कंफ्यूज करता है, तो आप ये इससे ध्यान रखें और इसको कैसे याद रखेंगे। जैसे ब्रोंज में N है और यहाँ पे टिन में लास्ट में N है, तो ब्रोंज कॉपर एंड टिन, और दोनों में कॉमन है कॉपर। ब्रास में भी कॉपर है और ब्रोंज में भी कॉपर है, तो ब्रास में कॉपर एंड जिंक एंड ब्रोंज में कॉपर एंड टिन, और सब में मैक्सिमम कॉपर कॉमन है। जैसे गन मेटल में, जर्मन सिल्वर में, डारुलियम में, ऐसे कॉपर कॉमन है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, डायमंड इज एन ऑलोट्रोपिक फॉर्म ऑफ। डायमंड का ऑलोट्रोपिक फॉर्म कौन सा है? तो डायमंड कार्बन का ऑलोट्रोपिक फॉर्म है। डायमंड इज एन ऑलोट्रोपिक फॉर्म ऑफ कार्बन, और कार्बन का और कुछ ऑलोट्रोप्स भी देखते हैं। जैसे 8 ऑलोट्रोप फॉर्म्स ऑफ कार्बन, कार्बन का 8 ऑलोट्रोप्स है, जैसे डायमंड, ग्राफाइट, लैंडस्लाइट, और C60, C540, C70, आर्मफोर्स कार्बन, सिंगल वॉल्ड कार्बन, नानोट्यूब एंड बकट्यूब। बैलून्स आर फिल्ड विथ, बैलून्स किससे भरा हुआ होता है? जो हवा में उड़ते हैं, जो है उसमें हीलियम का गैस होता है। तो हीलियम के बारे में थोड़ा, तो हीलियम इज अ केमिकल एलिमेंट विथ सिंबल HE। तो हीलियम का सिंबल HE है और एटॉमिक नंबर 2 है। ये एक कलरलेस और ऑडरलेस, टेस्टलेस, नॉन टॉक्सिक एंड इनर्ट और मोनोटोमिक गैस है। द फर्स्ट इन द नोबेल गैस ग्रुप इन द पीरियडिक टेबल। इट इज बॉइलिंग पॉइंट इज द लोएस्ट अमंग ऑल द एलिमेंट। आफ्टर हाइड्रोजन हीलियम इज द सेकेंड लाइटेस्ट एंड सेकेंड मोस्ट एबंडेंट एलिमेंट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रोडक्शन ऑफ क्लोरोफ्लोरोकार्बन गैस CFC व्हिच इज प्रपोज टू बैन इन इंडिया। इंडिया में बैन किया गया, इज यूज इन व्हिच ऑफ द फॉलोइंग डोमेस्टिक प्रोडक्ट। कौन सा डोमेस्टिक प्रोडक्ट में ये यूज किया जाता है जो क्लोरोफ्लोरोकार्बन गैस है? ये है रेफ्रिजरेटर में यूज किया जाता था। इसमें इससे भी और भी, जैसे ये 2003 1 जनवरी से इंडिया में बैन किया गया। इट प्रोडक्ट्स हैज बीन बैंड इन इंडिया फ्रॉम 1 जनवरी 2003। नेक्स्ट क्वेश्चन, द एलिमेंट कॉमन टू ऑल एसिड इज। कौन से एलिमेंट है जो कि सब एसिड में कॉमन पाया जाता है? यह है हाइड्रोजन। हाइड्रोजन गैस सब मैक्सिमम एसिड में कॉमन पाया जाता है, जैसे HNO3, जैसे यहाँ पे H है, H का मतलब हाइड्रोजन है, और सल्फ्यूरिक एसिड यहाँ पे भी ऐसे है, और कार्बोनिक एसिड यहाँ पे भी ऐसे है, देख सकते हैं। नॉट ऑल लुइस एसिड्स हैव हाइड्रोजन आयन्स, और सब एसिड में
नहीं पाया जाता, मैक्सिमम एसिड में हाइड्रोजन होता है। Which of the following is a non-ferrous metal? इनमें से कौन सा non-ferrous metal है? Non-ferrous का मतलब आयरन बहुत कम होता है, नहीं तो नहीं होता है, ऐसा इसका मतलब है non-ferrous metal। तो यहाँ पे aluminium is a non-ferrous metal, क्योंकि ये सब में आयरन होता है। देखते हैं सम एग्जाम्पल ऑफ नॉन फेरस मेटल्स वी डील विथ आर, और कुछ नॉन फेरस मेटल है जैसे कॉपर, ब्रास, लीड, जिंक, स्टेनलेस स्टील, इलेक्ट्रिक केबल एटसेट्रा। क्वेश्चन नंबर 8, गोबर गैस कंटेंस मेनली, गोबर गैस में मेन चीज कौन सा होता है, कौन सा गैस मेन होता है? तो मुख्य गैस है मीथेन। नेक्स्ट क्वेश्चन, मीथेन इज स्वैम्प गैस और मार्स गैस एज इट इज फॉर्म्ड इन स्वैम्पी एरियाज ऑफ गोबर गैस। तो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9, द मोस्ट मैलेबल मेटल इज, सबसे मैलेबल मेटल है गोल्ड। तो गोल्ड है सबसे मैलेबल मेटल। क्वेश्चन नंबर 10, स्टेनलेस स्टील इज एन अलॉय ऑफ, स्टेनलेस स्टील किस का अलॉय, कौन सा होता है? आयरन, क्रोमियम एंड निकल, ये है स्टेनलेस स्टील का अलॉय। पहले भी मैं आपको ये इसका चार्ट भी दे चुका हूँ, आप उसको याद भी कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 11, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज्ड एज ए मटेरियल फॉर मेकिंग प्रोटेक्टिव विंडोज इन स्पेस प्रूफ। स्पेस प्रूफ में प्रोटेक्टिव विंडो के लिए कौन सा चीज यूज किया जाता है? यह है डायमंड यूज किया जाता है। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज्ड इन ब्यूटी पार्लर फॉर हेयर सेटिंग, हेयर सेटिंग के लिए ब्यूटी पार्लर में यूज किया जाता है, कौन सा इनमें से कौन सा चीज यूज किया जाता है? जो है कि सल्फर। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सल्फर ब्यूटी पार्लर में यूज किया जाता है फॉर हेयर सेटिंग। तो सल्फर और भी बहुत सारे चीज में यूज किया जाता है, जैसे गन, ब्लैक गन पाउडर, मैचेस एंड फायरवर्क्स एटसेट्रा। क्वेश्चन नंबर 13, व्हाट इज लाफिंग गैस, लाफिंग गैस क्या है? तो इनमें से कौन सा लाफिंग गैस है? लाफिंग गैस है नाइट्रस ऑक्साइड, जैसे N2O, इसका सिंबल भी होता है N2O। तो लाफिंग गैस का फाइंड बेनिफिशियल यूज इन नंबर ऑफ लेजिटिमेट एप्लीकेशन सच एज, तो और भी कुछ चीज में नाइट्रस ऑक्साइड यूज किया जाता है, जैसे मेडिकल, डेंटल, एनेस्थीसिया एंड एनालिसिया, फूड प्रोसेसिंग, प्रोपेलेंट, सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग, एनालिटिकल केमिस्ट्री, केमिकल मैन्युफैक्चरिंग, ऑटो रेसिंग इंजन इंजेक्शन एटसेट्रा। क्वेश्चन नंबर 14, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज ए नॉन मेटल दैट रिमेन्स लिक्विड एट रूम टेम्परेचर, कौन सा नॉन मेटल है जो लिक्विड रहता है एट रूम टेम्परेचर में भी? यहाँ पे तो आंसर इज ब्रोमाइन एक नॉन मेटल है। तो नॉन मेटल कैन बी डिफाइंड सिंपली बाय हैविंग द ऑपोजिट प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल्स, तो ऐसे हम नॉन मेटल, तो कुछ नॉन मेटल्स भी मैं आपके लिए यहाँ पे चार्ट में रखा हूँ, आप इसको नोट डाउन भी कर सकते हैं। इसका सिंबल्स है, पीरियोडिक टेबल है, जैसे हाइड्रोजन का सिंबल H है और पीरियोडिक टेबल 1 है, ऐसे आप इसको याद भी कर सकते हैं, नॉन मेटल्स एंड सिंबल्स एंड देयर पीरियोडिक टेबल। क्वेश्चन नंबर 15, व्हिच फॉर्म इज फास्फोरस इज यूज्ड इन सेफ्टी मैचेस, तो सेफ्टी मैचेस कौन सा फास्फोरस यूज किया जाता है? सेफ्टी मैचेस आप देखे होंगे रेड कलर का होता है, तो ये रेड फास्फोरस होता है। क्वेश्चन नंबर 16, व्हिच मिनरल इज रेडियम ऑक्टेंट, कौन सा मिनरल रेडियम ऑक्टेंट है? ये है पिच ब्लेंड। क्वेश्चन नंबर 17, ब्रोमाइन इज ए डेस, तो ब्रोमाइन क्या है? ब्रोमाइन एक कलरलेस गैस, इनसोलेबल इन वाटर है, ना ये हाईली इनफ्लेमेबल गैस है, ना ये ब्लैक लिक्विड है, ना ये रेड लिक्विड है, ये एक रेड लिक्विड है, ब्रोमाइन इज ए रेड लिक्विड। तो आपके लिए और भी कलर ऑफ वेरियस गैसेस के भी मैं लाया हूँ, जैसे हाइड्रोजन कलरलेस होता है और ऑक्सीजन कलरलेस होता है, ओजन ऑल ब्लू और फ्लोराइन पाल येलो एंड ब्राउन, ब्रोमाइन रेड एंड ब्राउन भी होता है, आयोडीन डार्क पर्पल भी होता है, आप इसको नोट डाउन कर सकते हैं, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए, जितना इंपॉर्टेंट है मैं उसको भी आपके सामने ला रहा हूँ, तो आप इसको नोट डाउन कर सकते हैं और याद भी कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 18, सोडियम मेटल इज केप्ट अंडर, सोडियम मेटल को किस में यूज किया जाता है, किस में रखा जाता है, सोडियम मेटल को किस में रखा जाता है? सोडियम मेटल को किरोसिन में रखा जाता है, क्योंकि ये रिएक्टिव मेटल है। तो सोडियम मेटल को कहाँ रखा जाता है? किरोसिन में, क्योंकि ये रिएक्टिव मेटल है, ये रिएक्ट करता है,
मतलब दूसरों के साथ रिएक्ट करता है. सोडियम मेटल इज ए वेरी रिएक्टिव. व्हेन एक्सपोज टू एयर इट रिएक्ट्स विद ऑक्सीजन मॉइस्चर एंड कार्बन डाइऑक्साइड प्रेजेंट इन द एयर. क्वेश्चन नंबर 19. द मेटल यूज्ड इन स्टोरेज बैटरीज. तो स्टोरेज बैटरी में कौन सा मेटल यूज होता है? ये है लेड. तो क्वेश्चन नंबर 20. वाटर हैज मैक्सिमम डेंसिटी एट. वाटर का मैक्सिमम डेंसिटी क्या होता है, कब होता है? तो जब 4 डिग्री सेल्सियस होता है तब वाटर का डेंसिटी मैक्सिमम होता है. तो आप याद रखें, ये एग्जामिनर कभी कभी माइनस 4 डिग्री सेल्सियस भी दे देता है, तो आप बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं होएगा. तो इसका आंसर है 4 डिग्री सेल्सियस, मतलब पॉजिटिव 4 डिग्री सेल्सियस. तो व्हेन द आइस मेल्ट्स टू लिक्विड वाटर द स्ट्रक्चर कोलैप्स एंड द डेंसिटी ऑफ लिक्विड इंक्रीजेस. जब आइस मेल्ट होता है तो टू लिक्विड द स्ट्रक्चर ऑफ कोलैप्स एंड डेंसिटी ऑफ लिक्विड इंक्रीजेस. लिक्विड का इंक्रीज होता है. द टेम ऑल एट टेम्परेचर वेल अबव फ्रीजिंग द मॉलिक्यूल्स मूव फास्टर एंड गेट फर्दर अपार्ट. द डेंसिटी डिक्रीज एट टेम्परेचर इंक्रीजेस. जब डेंसिटी डिक्रीज होता है एट टेम्परेचर इंक्रीजेस होता है. दस द डेंसिटी ऑफ वाटर इज मैक्सिमम एट 4 डिग्री सेल्सियस. Non-stick question number 21. Non-stick cooking utensils are coated with. Non-stick cooking जो होता है, non-stick ही होता है. Cooking utensils are coated with Teflon. Teflon में होता है क्योंकि इसमें कुछ तेल वगैरह ना चिपके, तो इसलिए ये Teflon use होता है उसमें, एक metal है. Question number 22. Which of the following substance is a bad conductor of electricity but good conductor of heat? इनमें से कौन सा मेटल है जो बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है बट गुड कंडक्टर ऑफ हीट है? जो है कि है ये माइका. माइका है जो कि बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी एंड गुड कंडक्टर ऑफ हीट. क्वेश्चन नंबर 23. द केमिकल नेम ऑफ यूरिया. यूरिया का केमिकल नेम कौन सा होता है? तो आपको पता हो गया होगा यूरिया का केमिकल नेम कार्बा माइड होता है. तो क्वेश्चन नंबर 24. वाशिंग सोडा इज द कॉमन नेम ऑफ. वाशिंग सोडा का कॉमन नेम कौन सा होता है? ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है, आप इसको रट्टा मार लीजिए. यह है सोडियम कार्बोनेट. वाशिंग सोडा कॉमन नेम सोडियम कार्बोनेट. आप लोगों के लिए कुछ कंपाउंड्स और फॉर्मूला भी मैं लाया हूँ. जैसे बेकिंग सोडा, बेकिंग सोडा सोडियम बाइकार्बोनेट. यहाँ पे बेकिंग सोडा में बी है तो यहाँ पे इसलिए बाइकार्बोनेट है. तो वाशिंग सोडा आप याद रख सकते हैं, ये दो बच्चों को बहुत कंफ्यूज करता है. याद रखें वाशिंग सोडा ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत टाइम एग्जाम में आता है और एग्जामिनर इसी ये दो बच्चों को डाल के कन्फ्यूज भी कराता है. तो वाशिंग सोडा में सोडियम कार्बोनेट, बेकिंग सोडा में बी है इसलिए बाइकार्बोनेट है, तो याद रखें. और ब्लू विट्रोल में कॉपर सल्फेट, बी के बाद सी आता है तो कॉपर सल्फेट. ग्रीन विट्रोल के फेरस सल्फेट, जी के बाद एफ आता है, जी एफ. और व्हाइट विट्रोल में जिंक सल्फेट. ऐसे आप याद रख सकते हैं. और पूरा ये प्लास्टर ऑफ पेरिस जैसे कैल्शियम सल्फेट, हैवी वाटर डोट्रियम ऑक्साइड D2O, इसको भी आप याद रख सकते हैं. ये पूरे चार्ट आप कॉपी में नोट डाउन कर सकते हैं, बाद में भी याद कर सकते हैं. और याद एक बार में नहीं होता है तो बार बार पढ़िए और रट्टा मार लीजिए. ये एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू में बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आपको मैं बता रहा हूँ. तो क्वेश्चन नंबर 25, ये हमारा लास्ट क्वेश्चन है आज का टेस्ट सीरीज में. तो व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज द बेस्ट कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी. इनमें से कौन सा बेस्ट कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है? ये है सिल्वर. सिल्वर इज द बेस्ट कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी. सिल्वर इज द बेस्ट कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी बिकॉज इट कंटेन्स हाइयर नंबर ऑफ मूवेबल एटम्स, जो कि फ्री इलेक्ट्रॉन होता है. आज का मॉडल सेट 1 खत्म होता है. आपको अगर इस वीडियो अच्छा लगा और ऐसे सेट में आगे और बनाऊं, जैसे मॉडल सेट लाऊं, आप इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए. अगर अच्छा लगा तो लाइक कीजिए और शेयर कीजिए. धन्यवाद.